मध्य प्रदेश में चुनाव 28 नवंबर को, तो वहीं दिसंबर में आएंगे नतीजे। 5 राज्यों में चुनाव की तारीख का ऐलान, आचार संहिता हुई लागू। आखिर वह घड़ी आ ही गई जिसका सबको इंतजार था। दिल्ली में आज निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव 28 नवंबर को होंगे। 5 राज्यों में मतगणना एक ही दिन में होगी। आज निर्वाचन आयोग की आज घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। चुनावी सरगर्मियां तेज़ी से हो गई हैं। बहुत से दोनों सारी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेटों की घोषणा करेंगी और उसी के साथ चुनावी घमासान बढ़ जाएगा। रीवा दर्शन के लिए मैं चालू करता हूं। मुख्य निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश में चुनाव 28 नवंबर को होंगे। हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें हैं जिसके लिए वोटिंग 28 नवंबर को होगी। 230 विधानसभा की सीटों में 158 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, वहीं 58 सीटों पर कांग्रेस व 7 सीटों पर अन्य पार्टी के विधायक। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर एक ही दिन यानी 28 नवंबर को चुनाव होंगे, तो वहीं छत्तीसगढ़ में यह प्रक्रिया 2 चरणों में संपादित होगी। पहले चरण का मतदान 12 नवंबर को, दूसरे चरण का 20 नवंबर को। इस बार सभी मतदान केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से होगी। राजस्थान और तेलंगाना में 7 दिसंबर को वोट पड़ेंगे। इस बार चुनाव में आधुनिक ईवीएम मशीनों और वीवीपीटी का इस्तेमाल होगा। सभी राज्यों के वोटों की गिनती 11 दिसंबर को होगी। और उसी के साथ ही आदर्श आचरण संहिता जो है वो लागू हो गई। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि वो अपने क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सभी सम्मानित पत्रकार लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और हमारे प्रिंट मीडिया के साथियों को इसकी सूचना दें। तो मेरे हिसाब से सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, लेकिन उसके बाद भी जो हमारा शेड्यूल है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो इसकी इलेक्शन की जो अधिसूचना जारी होगी, जो डेट ऑफ इशू ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन है वो 2 नवंबर है, शुक्रवार। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो अंतिम दिनांक होगी जितना आदमी नाम निर्देशन पत्र जारी कर सकता है वो 9 नवंबर होगी, वो भी शुक्रवार है। डेट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन जो है 12 नवंबर है, सोमवार। लास्ट डेट फॉर विड्रावल ऑफ कैंडिडेटर जो नाम वापसी की जो डेट है वो 14 नवंबर है, बुधवार। डेट ऑफ पोल जो है जिस दिन मतदान होगा वो 28 नवंबर है, उस दिन बुधवार है। और डेट ऑफ काउंटिंग जो है वो 11 दिसंबर को 11/12/2018 दिन मंगलवार है। और 13/12/2018 गुरुवार से पूरी जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो कंप्लीट की जाएगी। तो ये आचार संहिता के विभिन्न आदेश जारी किए जा चुके हैं जिनमें धारा 144 लगाई जा चुकी है। अब से चुनाव के पूरे कार्यक्रम की समाप्ति तक सभी प्रकार के आयोजन, सभी प्रकार के जुलूस, राजनीतिक जुलूस या जहाँ पे भी बड़े सभाएं हैं, इनके बगैर अनुमति के ये सब जो है अनधिकृत रहेंगी। इनकी अनुमति लेने के लिए संबंधित क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर्स अधिकृत किए गए हैं। अपने अपने क्षेत्र में 8 विधानसभाओं में रिटर्निंग ऑफिसर्स, उनके साथ सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स अधिकृत किए गए हैं और सभी लोगों को उनसे अनुमति लेकर ही किसी भी कार्यक्रम को करना चाहिए। और इसके अलावा जो दूसरे आदेश जारी किए गए हैं उसमें आप सभी जानते हैं कि बंदूक लाइसेंसेस जो है वो अब सभी थानों में जमा कराए जाएंगे, उसका ऑर्डर जारी किया गया है। जितने भी अनुव्यक्ति धारक लाइसेंस धारी हैं हमारे यहाँ पर 5,000 के लगभग कुछ नंबर है, तो वो सभी लोगों को संबंधित थानों में अपने बंदूक, अपने शस्त्र जो है वो जमा कराने होंगे।